बढ़ाने के लिए हम लेते हैं एक पावर नैप और यहाँ लाफ्टर जगाने के लिए खोलते हैं लाफ्टर टैप। प्लीज वेलकम प्रियेश सिन्हा फ्रॉम बेतिया बिहार। आरती मैम आप देहरादून से हैं जी, शेखर जी आप बिहार से हैं, पटना से। आप दोनों को साथ में बैठा देख कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने बंदी बैठा के साथ में शराब बंदी लगा दी। बंदी बैठा के शराब बंदी लगा दी। मैं भी बिहार से हूँ, नहीं अपनी समस्या नहीं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि लोगों को लड़ने का बहुत शौक है और लड़ने को अगर कुछ ना मिले तो इलेक्शन लड़ लेते हैं। यकीन ना हो तो शेखर जी से पूछ लीजिए, खुद लड़ के बैठे हैं। दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं। हमारे यहाँ चार लोग मिलकर पार्टी नहीं करते, पार्टी बना लेते हैं। पार्टी में होते हैं चार ही लोग और नाम रखते हैं जन सैलाब पार्टी। पार्टी के पोस्टर में प्रत्याशी का फोटो देख के ही मालूम पड़ता है शिल्पा सेट्ठी है। यूपी बिहार लूट लेगा। लेकिन शेखर जी ये देखिए, शिल्पा सेट्टी भी कितना नादान है। कहती है मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, आने की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए हमारे यहाँ लोग हैं। खुद ही इलेक्शन टाइम घर घर जाके घूम के कह रहे होते हैं नमस्कार, सेवा करेंगे, मौका दीजिए। सामने से नहीं, मौका नहीं दे सकते हैं, अभी बाबूजी घर में हैं। आपने देखा होगा अमूमन लोगों का दिल टूट जाता है तो वो शराब पीने लगते हैं, हमारे यहाँ बैन है तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ बंदों का दिल टूटता है तो उनका संगीत नहीं निकलता, उनका यूपीएससी निकलता है। आदमी सक्सेसफुल होता है जिसके पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जब औरत का हाथ हटता है तो आदमी सक्सेसफुल होता है। हमारे यहाँ लोगों को पढ़ने का बहुत शौक है, इतना कि पेरेंट्स अपने बच्चों तक का नाम रखते हैं अध्ययन सुमन। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को कहते रहते हैं बेटा पढ़ो, पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं भी रिक्शा चला के दो पैसा कमाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है नो नौकरी नो छोकरी। अब बिना छोकरी के जिंदगी काटना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ के बंदे बिना छोकरी के तो जज नहीं कर पाते। हमारे यहाँ लोगों को फिल्मों का भी बहुत शौक है। मतलब अर्चना जी मिथुन से हमें इतना प्यार है कि आज भी हमारे यहाँ शादियों में सबसे पहले मिथुन आते हैं। वही कहते हैं जी मिजी 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 आजा आजा। अब आजा आजा करते हुए बारात कहीं से भी निकले शेखर जी 20 मिनट के अंदर ठेका पे पहुंच जाती है। सिर्फ फिल्मों का नहीं अर्चना जी, हमारे यहाँ गाने का भी लोगों को बहुत शौक है। आपने वो गाना सुना होगा लगावे लू जब लिपस्टिक हिले ला रहा, बहुत बार सुना, बहुत बार सुना है ना। तो देखिए कहीं दूसरे जगह भूकंप आता है तो उसे रिक्टर पैमाने पे नापते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भूकंप आ रहा है तो गांव वाले ढूंढने निकल रहे हैं साले लिपस्टिक कौन लगाया है। गाने भी अजीबोगरीब बनाते हैं, पूजा नहाए शैम्पू से, साजन अले टेम्पू से। हमारे यहाँ का टूरिज्म भी बहुत खास है। अच्छा? हमारे यहाँ का टूरिज्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे यहाँ के 75% टूरिस्ट बिहार के ही होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट है हम इस मामले में। टूरिज्म में सब छठ पूजा में घर चले आते हैं। अब कई बार होता है कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो ट्रेन चलने वाली है, स्टेशन पर डायरेक्ट टीसी से सेटिंग करते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, टीसी भाव ही नहीं दे रहा सर। छठी मैया बुला रही है सर। बुला रही है तो जाइए, आके स्टेशन पर सबको बताते जाइएगा। नहीं सर वेटिंग है तो वेट कर लीजिए। इतना बड़ा स्टेशन काला बना है। अरे सर कुछ मैनेज करिए, बैठा लीजिए, इतना भीड़ है लोग के गोदी में जगह नहीं है, माथा पे बैठा ले। Nicely done. अब देखा मैनेज नहीं हो रही है तो इंग्लिश का सहारा। अच्छा। और इंग्लिश भी उतनी ही आती है जितना एप्लीकेशन में एप्लीकेबल। रेस्पेक्टेड सर।
I am a very responsible citizen of India, sir. Chhat Puja is a very holy festival of India and famous globally, sir. So please grant me a berth in your train so that I can go to my home to celebrate this great grand festival of Chhat. For this, I shall be highly obliged to you. Yours faithfully, Pradeep Kumar Bharti, sir. बस बस सारा अंग्रेजी यहीं बोल दीजिएगा तो बिहार क्या ले जाइएगा नहीं सर बिहार के लिए भोजपुरी है ठीक है क्या करते हैं सर आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेकिंग इंडिया प्राउड ठीक है लाइए 2000 S9 में S9 में चलेगा सर S9 में 72 नंबर देख रहे हैं देख रहे हैं सर और 72 के सामने राइट वाला टॉयलेट में पट से जाकर बैठ जाइए और सुनिए लेफ्ट वाले में मत बैठिएगा उसमें ऑलरेडी लेडीज है लीजिए अखबार नहीं सर अखबार नहीं आजकल तो मोबाइल से हो जाता है अरे सीट है आपका बिछा के बैठ जाइए चलिए हैप्पी जर्नी प्रियेश यार तुमने वाकई जो बिहार का चित्र हमारे सामने पेश किया है बहुत काबिले तारीफ है तो देयर वाज अ मोर देन जस्ट कॉमेडी देयर वाज आल्सो परफॉर्मेंस in your act which I really liked thank you Priyesh ji par bahut maza aaya aayi maza humko dete rahiye garda uda de to aap aise hi bekhauf hoke perform karte rahiye theek hai aur ek baat batana chahta hu sir ha boliye hum bhi bihari hain hamare dashmesh guru गुरु गोविंद सिंह जी उनका जन्म बिहार में हुआ था सर बिल्कुल बिल्कुल तो मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूं जी जी सुदृढ़ किला नहीं बनता जब तक आधार नहीं होता और ये पांच ककारों वाले शेरों का दरबार नहीं होता और मेरे दशमेश पिता जन्मे थे इस बिहार में ही अगर ये बिहार नहीं होता तो ये सरदार नहीं होता वाह गुरु वाह क्या बात कह दी आप बहुत खूब अच्छा न्यूज में काफी स्ट्रेस भरी न्यूज आती रहती है तो जी आपका जी। इस पर क्या रिएक्शन होता है सरकार देश में ऐसी कई लॉज ले आती है जिसके वजह से काफी परेशानियां हो जाती है जैसे फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ मदर इन लॉ सिर्फ सिस्टर इन लॉ को रखना चाहिए ये जनहित में है प्रियेश ये बताइए कि रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अहम क्या होता है सर ऐसे तो लविंग होना चाहिए केयरिंग होना चाहिए बट जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो होता है ट्रस्ट 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 होना बहुत जरूरी है एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्क में किसी लड़की के साथ बैठा हूँ और ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या गारंटी है कि वो मेरी बीवी को जाके नहीं बताएगी वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है थैंक यू सो मच लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम वंस अगेन फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़